Assalamualaikum जी, welcome to the show Fun Planet. This is Dr. Huma Saif. हमारे ये segment it would show the viewers, the followers, the aspect, the funny, interesting aspects of the life of the guest of our show. जो हम usually उनका Twitter account नहीं दिखा सकता या Twitter personality वो नहीं दिखा सकती. तो वो हम आपको social media के जो हमारे stars हैं माशाल्लाह, उनके उनके followers को उनकी जिंदगी के वो interesting happening aspects सिखाने के लिए हमारे ये शो स्पेसिफिकली हमने डिजाइन किया है. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर सुंदर खान. शी इज अ यूनिक अकाउंट, वेरी कैरिज्मेटिक एंड आई शी इज यूनिक एनर्जी. आई एम अ बिग फैन मायसेल्फ. और आप इनका सबसे जो मुझे अच्छा लगता है कि यूजुअली जो खवातीन होती है दे बाउ डाउन, वो भाग जाती है, लेकिन सुंदर से एक माशाल्लाह वो जो अगर इनको हरास करने के इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है तो दैट गाय कैन नॉट गेट ऑफ द लेडी और दैट गाय कैन नॉट गेट ऑफ द हुक सो इजी. So this is very unique about Dr. Sundas. So Dr. Sundas, welcome to the show. It's really amazing to have you on our show. Thank you so much for such a nice introduction. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum Dr. Huma. Dr. Sundas here. आप मुझे Twitter पे Dr. Sundas Khan के handle से जानते हैं. और it was very nice to have you. अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे अपने show में invite किया as a first guest. It's such an honor. और I hope it goes well for you. It's a complete honor for me, seriously. Aapka account is like so much fun. Literally, at times, just when I'm down or when you, jab kabhi the life doesn't treat you well, so main aapke account jaake dekhti hu, it's like literally cracks me up every time. So, chaliye, Sundar, Dr. Sundar, aap apne baare mein bataein, jo aapke followers nahi jaante, aap kahan paida hui, aapki jo childhood, wo memories aur wo adventures jo aapne cousins ke saath ya behan bhai ke saath kiye hote hain, to wo. मैं बेसिकली हजारा से हैं हम लोग, एबटाबाद से. बाय बर्थ इस्लामाबाद में रहे हैं हम लोग और इनिशियल एजुकेशन भी मेरी सारी इस्लामाबाद की है. पेरेंट्स भी मेरे बल्कि इस्लामाबाद में ही पैदा हुए और भाई यहीं पे रहे हैं हम हमेशा. बट हम समर हमेशा अपना गांव जाके गुजारते हैं एबटाबाद में. और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. आपको अगर ऐसी प्लेस हो आपके पास समर के लिए तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती. वी हैव एवरीथिंग, प्लेजेंट वेदर, माउंटेन्स हैं, स्ट्रीम्स हैं अराउंड, ग्रीनरी है बहुत ज्यादा. तो और ऊपर से आपके कजन्स आपके साथ होते हैं, सारे फैमिली साथ होती है, एज ग्रुप हमारा सिमिलर है सब कजन्स का मोस्टली. तो हम लोगों के वेकेशन इकट्ठे ही होते हमेशा से और हम हमेशा इकट्ठे ही रहने जाते थे. तो बहुत अच्छा बचपन गुजरा है हमारा, बारबेक्यू. जी माशाल्लाह रहे हम ग्रैंड पेरेंट्स हमारे शुरू में इकट्ठे रहते थे हम लोग, फिर ग्रैंड फादर की डेथ हो गई. अब दादी हैं सिर्फ हमारे साथ. लेकिन कजन्स, चाचू के बच्चे, हम लोग सब इकट्ठे हमेशा से ही, बचपन से लेकर अभी तक भी हम अपना समर इकट्ठा स्पेंड करते हैं. इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड एवरीवन इज लाइक ईद पे मिलते हैं जरूर. कोई मौका ऐसा मिले जिसमें हम गाँव जाके रहना चाहें, पूरे साल में हम एक टाइम ऐसा जरूर निकालते हैं अपनी जॉब से और के दो तीन दिन जाके वहां स्पेंड करें हम. तो हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं अब वहां जाने के लिए. तो और ब्यूटीफुल प्लेस है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती. इतने हम नहीं गए कभी कहीं और, बट जरूरत नहीं पड़ती. नारायण का जाना होता है बट हमारी प्लेस इक्विवेलेंट है उसके. तो और आपका अपना घर है वहाँ पे, आपको कोई खर्चा नहीं होता रहने का. तो दैट्स अमेजिंग. और एब्सोल्युटली, और वो जो आपकी अपनी फीलिंग होती है ना कि भाई आप अपनी जगह पे हो, तो दैट्स वेरी यूनिक. बिल्कुल. और इवन लोग आ जाते हैं, एंटर होते हैं हमारे एरिया में, लाइक आपकी हमारी सड़क पे आके तो डायरेक्ट हमारे घर में कभी कभी एंटर हो जाते हैं. उनको लगता है कि कोई रिजॉर्ट टाइप है तो यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं. पंजाब से बहुत लोग आते हैं जब कश्मीर की तरफ जा रहे होते हैं तो दरमियान में थोड़ा सा स्टे करने के लिए. उनको मरी जितना रश अगर ना चाहिए हो तो वो हमारी तरफ आते. कभी मेरे दादा जिंदा होते थे जब अल्लाह ने जन्नत नसीब करे तो वो जरूर उनको इनवाइट करते होते थे अपने घर, थोड़ा सा चाय वगैरह पिला के, ठंडा पिला के फिर आगे जाते होते थे वो लोग. तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे जब कोई आता होता था बाहर से हमारे घर में, तो कश्मीर जा रहे हैं तो हमारी तरफ होते हुए जाते होते थे. तो अमेजिंग. तो क्या जब कोई गेस्ट रैंडम कोई स्ट्रेंजर गेस्ट आता था तो क्या वो जो आप लाइक बच्चे जो क्या बड़े एक्साइटेड होते थे, क्या बोले आज फिर कोई आया, सब एक दूसरे को बुलाते थे क्या? या हम लोग असल में ऐसा होता है ना कि आप सोते नहीं हो ना समर में, आपको होता है बच्चों को मस्ती वाला टाइम होता है तो पेरेंट्स थोड़ा सा रेस्ट करते होते समर में. हम लोग नहीं सोते होते थे तो हम लोग देखते होते थे इसी तरह कोई गाड़ी आ जाती होती और बिकॉज मेन गेट्स नहीं होते गांव के घर में तो वो बस एंटर हो जाते हैं. तो वो लोग उनको लगता होता था कि कोई रेजॉर्ट है थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हैं. यस, तस्वीरें दिखाई दे, सो ब्यूटीफुल.
या तो वो लोग, उनको होता है कि कोई पीसफुल सी जगह है जहाँ पे वो थोड़ा सा रेस्ट करके तो आगे जा सकते हैं. तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दोनों जरूर उनको इनवाइट करते होते थे. लेकिन अगर हम बच्चे हैं तो हम लोग इतना, हम यू नो कि आप बच्चों को सिखाते हैं कि स्ट्रेंजर से दूर रहना, तो हम लोग नहीं बोलते होते थे. पर बड़े कोई उठे हुए हों तो वो जरूर उनको इन्वाइट करते थे अंदर. हमारे लिए रोजाना की एक्साइटमेंट होती थी कि शायद आज कोई नया गेस्ट आएगा हमारे साथ, रैंडम स्ट्रेंजर एक्सीडेंटली. और फ्रूट्स, ये लोग बहुत फ्रूट्स लेते होते थे, हम लोग फ्रूट्स भी भेजते होते थे उनको. हमारे पास बहुत सेब के, माल्टे के, आलू बुखारे के, लोकार्ट, इन सब के दरख्त है वहां पर. तो ये लोग असल में फ्रूट्स के उसमें ही आते होते थे. जब फ्रूट्स देखते होते थे ना समर में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, तो वही देखते देखते ऊपर आते होते थे हमारे. तो मेरे दादा भी, मुझे याद है हम लोग गर्मियों की छुट्टी में, मेरी डैडी को भी बहुत ज्यादा शौक है वेकेशन का, तो हम लोग गर्मियों की छुट्टी में जाया करते थे एबटाबाद, नथिया गली, कागान वगैरह, नारायण. तो मुझे आपका जो एरिया, दैट्स सो ब्यूटीफुल. तो मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, तो हम लोग को अक्सर होता था कि एक रात इधर जरूर रह के जानी है. बिल्कुल, वाकई बहुत थोड़ा पीसफुल है. प्राइवेट एरिया होता है तो थोड़ा पीसफुल होता है, आप सड़क से दूर होते हैं. अच्छा हाँ, तो फिर आप कौन सा, अबाउट योर एजुकेशन, व्हिच मिड स्कूल डिड यू गो? बेसिक एजुकेशन एज ए इस्लामाबाद की है. फिर उसके बाद मेडिकल स्कूल मेरा एबटाबाद में था, हजारा के होने की वजह से. एबटाबाद में इट्स लाइक योर होम टाउन अगेन, सिटी है एबटाबाद सिटी में. तो वहाँ पे मैं रहती अपने कजन्स के साथ थी, मेरे मामू के बच्चे, और वो भी मेरी सिमिलर एज के हैं. तो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत मस्ती की हुई है, बहुत फन किया है एबटाबाद में भी. और उधर हम लोग कैंपिंग के लिए भी जाते होते थे, हम नथिया गली बहुत जाते होते थे वहां से. समर एबटाबाद में समर वेकेशन नहीं होते एज सच, तो हम लोग वीकेंड्स पे एबटाबाद से जाते होते थे जरूर नथिया गली में. कोई लॉन्ग वीकेंड हो तो उसमें हम सारे मिलके, सारे कजन मिलके, फिर नथिया गली थोड़े से दो एक दिन स्पेंड करने जाते होते थे. बहुत बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि गाँव थोड़ा सा दूर है, तो हम नथिया गली से ही होके तो हम खुश रहते होते. दोबारा इस्लामाबाद आ गई, फिर शादी के बाद हाउस जॉब और रेजिडेंसी दोनों पिम्स से की. ज्यादा एंजॉय मैंने तब किया है, कॉलेज लाइफ से ज्यादा एंजॉय है मेरा पिम्स में टाइम जो गुजरा है उसको एंजॉय किया है मैंने. कोई इवेंटफुल हैपनिंग देयर जो भी याद हो, जैसे हाउस जॉब में कुछ स्नीक आउट करना, प्रोफेसर को सर आप साइड पे करके भाग जाए, मतलब कहीं खाना खाने जाते. मुझे याद है हम लोग इस जमाने में हमारे जो सर जी के हाउस जॉब होती थी, तो वहाँ पे काफी ये एक ट्रेंड था, एक कल्चर था. जब सर्जी की इमरजेंसी होती थी तो हमारे कोई एमओस वगैरह ना वो दो तीन टीम के ग्रुप बनाते हैं, तो हम लोग फूड स्ट्रीट हमारे काफी करीब था गंगाराम से ना, हम लोग वहाँ चले जाया करते थे. फिर वो घंटे घंटे की सबकी ब्रेक होती थी, बाकी जो बेचारे जब हम वापस जाते थे तो वो हैवी इमरजेंसी वो एग्जॉस्ट भी होते थे, फिर वो बेचारे चले जाते थे. ऐसा कोई इवेंट जब कभी स्नीक आउट जो अभी भी याद आता हो और आप मिस करते हो कि यार ये बहुत अच्छा था? बहुत, मैंने जैसे बताया मैंने ज्यादा इंजॉय हाउस जॉब में किया है और रेजिडेंसी के टाइम किया है. हाउस जॉब में आपको पता है हाउस ऑफिसर्स के साथ कैसा सलूक होता है. तो लेकिन अलग शुक्र है मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, उनको मेरी तरफ से कभी शिकायत नहीं हुई काम के लिए, तो मुझे उनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई किसी भी चीज की, कोई जुल्म नहीं हुआ मेरे पे. वो लोग बहुत नाइस लोग थे सारे के सारे, माशाल्लाह. हम लोग इकट्ठे जाते होते थे रात को 4 बजे. हमारा कैफेटेरिया एक्चुअली जो पिम्स का था वो बंद हो जाता था 2 बजे, तो हम 4 बजे तक फारिग कभी होते थे, लेट हो जाते थे. तो हम सड़क क्रॉस करके बिल्कुल सामने ढाबा है पिम्स का, वहां जाते थे. वो बंदा बहुत अच्छी दाल बनाता है, मुझे नहीं पता था कभी कि इतनी अच्छी दाल बन सकती है. बहुत मजे की दाल बनाता था, साथ में चपाती के साथ वो हमें देता होता था, हम बहुत इंजॉय. खैर मेरे साथ भूख भी लगी होती थी उस टाइम पे, तो आप ऐसे इंजॉय कर रहे हो जो कुछ मिल जाए. हाँ बिल्कुल, मेस होते हैं वो, मतलब दैट्स अ नाइटमेयर स्टोरी ऑन इट्स ओन. टोटली. और कभी कभी उसके पास पता है खत्म हो जाती थी दाल, तो वो हमें अंडा टमाटर प्याज के साथ बना के देता था. बहुत बहुत नाइस बंदा था वो भी, बहुत अच्छा था. मुझे भी याद है जब हम लोग गंगाराम में जब एसटी में थे मेरे खाने उस जमाने के बाद, तो हम सुबह के टाइम में कभी कभी फजर के टाइम में हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह, तो हम लोग निकल जाया करते थे. हमारे साथ मोहम्मद ही निहारी काफी करीब था, फिर निहारी का नाश्ता करने जाया करते थे. मतलब वो जो अभी भी मुझे कभी कभी शिद्दत क्रेविंग होती है ना, खाई यार वो कितना मजे का टाइम था, तो मोहम्मद ही निहारी की होती है. रेजिडेंसी में ऐसे होता था हमारे साथ, मेरे टीचर्स, आप एनेस्थीसिया की कॉल पे आप अकेले ही रेजिडेंट होते हो. कभी कभी ऐसे हो कि बहुत हैवी कॉल जा रही है, तो आपका सीनियर आपको आपके पास आता होता है चेकआउट चेक करने के लिए कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं, और साथ में हेल्प भी करते होते हैं अगर आपकी बहुत हैवी कॉल. मैं बहुत फेमस थी हैवी फुटेड, तो मेरी कॉल में मोस्टली आते होते थे मेरे सीनियर.
मैं जो आपका मेरे प्रोफेसर जो है वो सिंधी थे तो वो वहीं रहते थे पिम्स में, तो वो जरूर क्योंकि मैं इतनी फेमस थी सोचे कि वो मेरा पता करने जरूर आते होते थे शाम में, बहुत ओवरलोड हो सुंदर की कॉल है आज बहुत ओवरलोडेड है तो उन्हें आते थे तो वो हमें शाम रात को वो हमें खाना खिलाते होते थे बट कढ़ाई अच्छी बट कढ़ाई होती है वो वाली भी मैंने अगेन शायद हम भूखे होते थे तो इस वजह से बर्फ बहुत यमी होती थी वो फेमस है वैसे भी इस्लामाबाद में लोग बहुत जाते होते हैं उसके पास। अच्छा कोई कोई पाए कोई निहारी कोई मेरे साथ असल में ना पठान कलीग्स थे मेरे सारे तो मैंने ज्यादा अफगानी पुलाव और अफगानी टिक्का और ये चीजें खाई हुई है पंजाबी मुझे नहीं मिला कोई तो मेरे पास कोई पंजाबी वो नहीं है मैंने मेरी एक और फ्रेंड होती थी वो मेरी रूममेट थी वो भी पेशावर से थी तो वो यूजुअली वो कोई जो एक होती झिल्ली होती है उसके अंदर रैप करके और फिर वो बारबेक्यू किया करती थी उनके पैर में पठानों की कोई ट्रेडिशनल डिश है ये मेरे कलीग्स माशाल्लाह बहुत अच्छे होते थे ये लोग जब छुट्टी पे जाते थे पेशावर या मेरे जर्सी टिक्का भी लेकर आते होते थे दो वो ठंडा हो जाता है पर क्योंकि मैंने कभी नहीं खाया हुआ था तो मेरे जरूर लेकर आते होते थे बहुत नाइस सारे मेरा पिम्स का एक्सपीरियंस इज वंडरफुल मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं सारे प्रोफेसर से लेकर जूनियर भी इवन अभी भी मेरे जूनियर्स हैं मुझे कॉल करते हैं मुझे पूछते हैं वेरी नाइस पीपल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा तो मुझे ये बताओ कि अब नाउ यू इन नॉर्थ कैरोलिना तो कैसा रहा कैसी जर्नी थी यहाँ आते हुए इतनी लंबी फ्लाइट और वो इमिग्रेशन का खौफ होता है घूम जाते मैं जब पहली दफा इमिग्रेशन से गुजरी तो हुए थे लाइक That was a complete nightmare. मुझे अभी भी याद है वो तो आपका कैसा था एक्सपीरियंस नॉर्थ कैरोलिना कैसा था आप एक्सपेक्ट जैसे करते वैसा था कि इट वाज लाइक स्लाइटली अबव द मार्क और स्लाइटली लो बिलो द मार्क जो मेरा टाइम था इमिग्रेशन का वो बहुत स्कैरी था क्योंकि वो ट्रम्प का फर्स्ट ईयर था यहाँ पर और आपने सुना होगा न्यूज में जो उस टाइम पे लोग साथ हो रहा था मेरे मियां साहब भी जब ऑर्डर पास हुआ तो वो पाकिस्तानी थे वो वैसे छोटे से ट्रिप पे गए हुए थे वो दो हफ्ते के वो उन्ही दिनों में वो ऑर्डर आया था हाँ तो मैं हमने उस टाइम पे न्यूज में सुना हुआ था कि इवन ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो है उनको भी रोक लेते हैं वेट करना पड़ता है सब कुछ तो बहुत स्केरी था स्पेशली साथ में छोटे दो बच्चों के साथ हमने कभी ट्रैवल नहीं किया था इतना लंबा उनके साथ तो वाकई बहुत स्केरी था बट अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इमिग्रेशन में हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में थे उन्होंने लाइक जो लाइन बहुत लंबी होती है ऑब्वियसली और जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो करना होता है आप अगर उसको फॉलो करे हो तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता और हर बंदे के साथ ही इक्वली ऐसे ही सलूक हो रहा होता है इरिस्पेक्टिव कि कौन से कंट्री से है सारे लोग उसी लाइन में एक ही लाइन में थे और एक ही लाइन में उनकी इमिग्रेशन हो रही थी सब कुछ मतलब मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं बहुत डरी हुई थी दो बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पर तो नॉर्थ कैरोलिना में कैसा लगा नॉर्थ कैरोलिना में इट्स लाइक इस्लामाबाद विदाउट माउंटेन्स बहुत प्यारी जगह है और मैं अब यहाँ से नहीं कहीं और मूव होना चाहती क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे इट्स टोटली लाइक ट्विन सिटी ऑफ इस्लामाबाद है बेसिकली बस माउंटेन्स नहीं है तो वो याद आते हैं मुझे बाकी बहुत प्यारी जगह है ग्रीनरी है आपका प्लेजेंट वेदर है बिल्कुल वैसा ही जैसा इस्लामाबाद में होता है अगर कभी मैक्सिमम यहाँ पे टेम्परेचर ही 35-37 तक होता है और मिनिमम भी यहाँ पे -1-2 तक ही होता है तो आप इंजॉय करते हैं उस वेदर को यहाँ पर हर तरह का मौसम वैसे ही आप इंजॉय करते हैं जैसे आप मैं वही देखी थी आपने जो तस्वीरें शेयर की थी उसमें मतलब वही मैं अभी मैं अपने बच्चों को भी दिखा रही थी कि लाइक दिस मतलब यहाँ पे ये कि यूजुअली आपको फॉल के सही कलर्स नजर आते हैं लेकिन जो आपने तस्वीरें जो हैं दैट दे आर लाइक इवन मोर ब्यूटीफुल जितनी मैंने फॉल यहाँ पे देखी उससे भी ज्यादा खूबसूरत है ये एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में आप देखेंगे किसी नॉर्दर्न एरियाज में वहाँ पे एवरग्रीन ट्री ज्यादा है तो वहाँ पे आपको उतना प्यारा फॉल नहीं दिखता है यहाँ पर आपको लिटरली सही कलर्स नजर आते हैं शुरू में येलो होंगे फिर ऑरेंज होंगे फिर रेड होंगे बहुत खूबसूरत होता है वाकई बहुत प्यारा फॉल है इवन मेरे लिए भी पहली दफा था ये हालांकि हम बहुत अच्छे इलाके से हैं बट स्टिल ये वाले दरख्त वहाँ पे नहीं होते हैं उस तरह तो एक बहुत अच्छा फॉल था ये वाला एक्सपीरियंस है यहाँ पे हॉबीज क्या है क्या करते हो रनिंग करते हो जॉगिंग करते हो कुकिंग करते हो क्या करते हो कुकिंग मैंने यहाँ के की है तो या अब मैं अच्छा कुक करना शुरू हो गई हूँ और रनिंग और जॉगिंग इसलिए करनी शुरू की थी क्योंकि मेरी लाइफ बहुत हेक्टिक थी पहले मुझे कभी सोने में प्रॉब्लम नहीं हुआ मैं आराम से सो जाती होती थी यहाँ के मुझे थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आई कि मुझे नींद कैसे आएगी क्योंकि मैं थकती नहीं हूँ तो फिर मैंने रनिंग और जॉगिंग शुरू की यहाँ बहुत बहुत प्यारा प्यारी लेक है जिसके अराउंड आप रनिंग कर सकते हैं तो वहाँ पे मैं हम लोग जाते हैं रनिंग के लिए रोज शाम को अब आदत हो गई है उधर रोज जाने की और रनिंग करने की अच्छा क्योंकि नेचर के पास जो भी एक्टिविटीज़ हैं लाइक वेरी रिफ्रेशिंग
सही, आपका मेंटल हेल्थ आपका आपकी स्ट्रांग होती है और बहुत सुकून मिलता है वहां जाके. आप बहुत, इवन आप रनिंग ना भी करें आप बहुत इंजॉय करते हैं सुकून से. आप बर्ड्स की आवाज सुन के और लेक की जो पानी की आवाज है, हर चीज बहुत बहुत सुकून आपको मिलता है वहां पर. यहां पर दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम. तो क्या क्या यहां पे क्या एक्टिविटी है, लाइक डाइनर स्पॉट्स कौन से अच्छे लगते हैं, या खुद कुछ बारबेक्यू करते हो, क्या करते हो? बारबेक्यू हम लोगों की स्पेशलिटी है, इवन हजारा में रहते हुए भी और यहाँ पे भी, क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना फेमस बहुत है आप अपने स्टेक्स की वजह से. यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं स्टेक्स खाने के लिए. यहाँ पे मीट ईटर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत शौक से ये लोग बनाते हैं, फेमस है बहुत जगह यहाँ पर. इस तरह की हम लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होता है कि हर जगह पे हलाल नहीं मिलता मीट, तो हम खुद करते हैं. फिर हम मंथ में एक दफा या क्वार्टरली एक दफा, हमारे फ्रेंड फैमिली फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, वो भी एब्टाबाद के ही है दोनों. तो वो लोग भी हमारे इलाके को बहुत मिस करते हैं, फिर हम लोग इकट्ठे जाते हैं बारबेक्यू के लिए बच्चों को साथ लेके. ये बहुत जो पार्क जिधर हम रनिंग करने जाते हैं सेम पार्क में लेक के बिल्कुल साथ पे आप बारबेक्यू करें. डक्स भी होती है वहाँ पे, वो भी आती है खाने के लिए चीजें. कोई वाली बात है ना, यहाँ पे बारबेक्यू बाकी एक्टिविटी जो आपके बच्चे आपकी फैमिली लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि मेरे मियाँ साहब भी बहुत अच्छे बारबेक्यू करते हैं. तो मेरे बच्चे लाइक एवरी टाइम उन्होंने कभी बाप से फरमाइश करनी होगी ना, तो वो यही होगी कि बाबा कैन यू मेक अस सम बारबेक्यू. और वही जब बना रहे होते हैं तो बीच में वो बच्चे कहते हैं अच्छा बाबा सैंपल, बाबा कहते हैं सैंपल है, तो थोड़े से पीसेस उतार के बच्चों को देते हैं जो ऑलमोस्ट डन हो गए होते हैं ना. तो इट्स लाइक अ वेरी गुड फैमिली एक्टिविटी बारबेक्यू. हम लोग कॉर्न्स और वेजिटेबल्स पहले रखते हैं ताकि वो बच्चों को खिलाएं थोड़ा सा जब तक मीट बन रहा है, तो फिर उसके बाद गोश्त देते हैं. बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग. दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम. तो और क्या करते हो अब, लाइक आई मीन आर यू वर्किंग? जी, यहाँ पर आकर मैंने वहाँ पे अपने प्रोफेसर के साथ मैंने रिसर्च में बहुत काम किया हुआ था. यहाँ पर आकर पे मैंने रिसर्च इंडस्ट्री ज्वाइन की, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में एज ए रिसर्च कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ. उसी के साथ उसी के बहुत से कोर्सेज भी किए यहाँ पर आकर, उन्हीं की सेम UNC से, और फिर इधर एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल्स वहाँ से सर्टिफाइड होके फिर जॉब शुरू की. तो अब हम रिसर्च इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं कोविड पे भी और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस दोनों पे. तो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, डिफरेंट वन दो, पर अच्छा है. आपका आप नई चीज को सीख रहे हैं और उसी पे में आपको काम करना पड़ रहा है. सो इट्स अ गुड थिंग टू डू. दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम. तो कौन सा कोई एडवेंचर कभी जो आपको लगा हुआ कि भाई दिस इज वर्थ मेंशनिंग, ये बहुत मजे का एडवेंचर था, ये आई नीड टू शेयर इट. यहाँ पे मेरी जॉब शुरू हुई जब पहले मैं कर रही थी जॉब एक और कंपनी के साथ, फिर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की. तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट मंथ था जॉब का, तो फर्स्ट डे पे मेरे पास हमारे पास पहला नॉर्थ कैरोलिना का कोविड केस आया था. और हम मेरा घर में बहुत मजाक उड़ाया सबने के मेरी वजह से ऐसे हुए. अच्छा अच्छा ठीक है, यू हैव अ हिस्ट्री. मैंने बोला था सबको कि मैं बहुत हैवी फुटेड हूं एंड एवरीथिंग, क्योंकि दे बिलीव इट और ठीक है सिंस यू आर रियली अ हैवी फुटेड पर्सन. बिल्कुल पहले दिन, उसी दिन हमारे पास कोविड का फर्स्ट पेशेंट आया नॉर्थ कैरोलिना में. हमने उसको रजिस्टर किया और डेटाबेस में डाला सबको, काम मैंने किया. तो मुझे बहुत फनी है एज इन, और फिर आयरॉनिक भी आई गेस. और मजे के लिए तो वकेशनिंग पे कहां कहां जाते हो, कोई फन एरियाज या? ऑब्वियसली आपके पास स्टेट में स्टेट में बहुत चीजें हैं देखने के लिए, बहुत जगह हैं विजिट करने के लिए. मतलब इवन आपके पास नेब्रास्का है, आपके पास क्या कहते हैं वेगस है, इट्स लाइक सो डाइवर्स. बहुत हम लोग डीसी गए, वर्जीनिया. वर्जीनिया में हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं. ट्विटर पे हम लोगों का की बात हुई थी, दोनों कपल बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं. वो हमें हर वक्त इनवाइट करते हैं. आई रियली लाइक देम. वो बहुत, जैसे आपको ईद पे फोन करते हैं ना फैमिली, वो ईद पे जरूर फोन करके पूछते हैं आप हमारी तरफ जरूर आए, आप इंजॉय करेंगे, बच्चे इंजॉय करेंगे. तो उनके उनके पास गए थे, उन्होंने हमें डीसी दिखाया सारा, फेमस प्लेसेस ऑफ डीसी जो म्यूजियम्स हैं बच्चों के हिसाब से भी, अपने हिसाब से भी बहुत हमने वो इंजॉय किया. फिर हम ओहायो गए हैं, ओहायो भी. I've never been to DC, लेकिन I've heard a lot of good things about DC. ये आपका एक टिक मार्क जरूर होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ कैपिटल, तो आपको जरूर देखना चाहिए. आप मे बी आपको उस तरह इतना अट्रैक्ट नहीं करे, बट इट्स लाइक आपको पता हिस्ट्री है, अमेरिकन हिस्ट्री, लेकिन आपको देखना चाहिए. You are absolutely right.
और कहाँ में बहुत मजे का टाइम गुजरा. हम शादी अटेंड करने गए थे बेसिकली, तो वहाँ पर हमने सारा देखा. वो भी बहुत अच्छी जगह है. वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा हैं तो आपको आपको ज्यादा अच्छा लगता है. बहुत लोग आपको फेमिलियर लगते हैं, मिलते हैं आपको बहुत. हम हरियाणा में थोड़ा सा ये है कि कम है कम्पेयर टू बाकी जगहों पे, तो इस वजह से बहुत आपको फेमिलियर लोग नहीं मिलते यहाँ पर. पाकिस्तानी एज इन वहाँ पे ज्यादा है. यहाँ नॉर्थ कैरोलिना में हमारे पास बहुत अच्छी जगह है. एशविल है, ग्रैंडफादर माउंटेन्स है. ग्रैंडफादर माउंटेन्स वाली बहुत फनी स्टोरी है कि जब उसका नाम मैंने पढ़ा तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि माउंटेन से बिलोंग करते बेसिकली, तो इतना अरसे हमने देखा ही नहीं था माउंटेन्स. मैं सिर्फ ये माउंटेन्स देखने के लिए जाना चाहती थी वहाँ. जब मैं गई वहाँ पे तो ग्रैंडफादर माउंटेन्स का नाम सुने आप, बहुत कोई लगता है ह्यूज मैग्निफिसेंट, बिल्कुल वो हमारी पहाड़ियों से भी छोटे माउंटेन्स है. थोड़ा सा मेरा वो खत्म हो गया था क्योंकि माउंटेन्स इनको कह रहे हैं. तो पर मेरे हस्बैंड ये कह रहे थे कि आप उनको हिमालय से ना कंपेयर करें. वो थोड़ा फनी भी एक्सपीरियंस था, पर बहुत एंजॉय किया हमने वहाँ पर, बिकॉज बहुत प्यारी जगह थी. उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से आपको टूर कराते हैं सारी जगह का. अभी आप बात करते हैं तो मुझे याद आ गया, इसी तरह हम लोग भी एक दफा गए थे आर्कनसास वेकेशन के लिए. ओक्लाहोमा की तरह जैसे मॉडरेट सा वेदर, काफी शायद जून जुलाई था, गर्मी भी काफी थी, तो लिटरली वी हैड द कार एसी ऑन. लेकिन आप मुझे वहाँ पे एक बड़ी फेमस सी माउंटेन, जिसका नाम मुझे भूल गया, लेकिन सबने हमें कहा कि वहां जरूर जाना. काफी स्टीप ड्राइव थी, अब जो नीचे गर्मी पसीने, और जब हम ऊपर गए तो बर्फबारी हो रही है. इट वाज सो कोल्ड, वी हैड टू लेयर अप. तो वही आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब हम लिटरली बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. और वहां पे जैसे पानी जमा हुआ सब कुछ, तो हाँ कुछ जैसे आपने अभी वो ग्रैंड पेरेंट वाला कहा कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सम लाइक अ माउंटेन विद स्नोफॉल, जब नीचे इतनी शदीद गर्मी थी. और लिटरली 15 मिनट्स ड्राइव थी आप, ये भी नहीं कि बहुत लंबी को ड्राइव थी. तो हम लोग सर पाकिस्तान में ऐसे होता था ना कि जब आप इस्लामाबाद से समर में जा रहे हैं वापस अपने समर हाउस में जा रहे होते थे ना, तो आप बहुत गर्म जगह से आप जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि वहां पे इतनी ठंड होगी. तो वहां पे जाके आप हीटर्स ऑन करने पड़ते थे आपको फौरन. आपका अपना हमारा अपना घर होता है तो आप सारी चीजें निकालो वापस, कंबल निकालने पड़ते थे, उनको धूप लगवाने पड़ती थी यूज करने से पहले. जैसे दादी होती है वो वैसे बता रही है, वो वाकई इतना ही शॉकिंग होता है जब आप जाते हैं किसी पहाड़ पे, तो आपको ऐसे नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो. तो सुंदर सर, ये अभी कौन सी कोई एडवेंचर, कोई जर्नी जो आपने अभी एम्बार्क नहीं की, जो बकेट लिस्ट, जैसे कोई बैकपैकिंग यूरोप, और या कोई क्या जो आपके अभी भी लिस्ट पे है कि आई नीड टू डू दिस? ट्रैवलिंग मैंने बिल्कुल नहीं की. मैं ये वाली सारी ट्रैवलिंग जो जितनी भी है, ये एक या तो घर है हमारा उस जगह पे तो हम वहाँ पे रह रहे हैं, या हम लोगों को काम की वजह से यहाँ पे आना पड़ा. तो मैंने इतनी ट्रैवलिंग नहीं की, इतनी जगह नहीं देखी हमने कोई भी. तो हमारा प्लान था कि हम वापस जा रहे हो पाकिस्तान, तो हम यूरोप के थ्रू जाएं, यूरोप देखते हुए जाएं. तो इतना लंबी जर्नी भी नहीं है, फिर आप थोड़ा सा दरमियान में रुक के जगह तो आप एंजॉय करते हो. टर्की एयरलाइंस के थ्रू भी अगर ट्राई हो, मुझे पता कि वो स्टेटस आगे क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या सीन होगा, लेकिन वो इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो हमने इसका फैसला तय किया था, हमने टर्की एयरलाइंस अप्लाई किया था और हमने ट्रांसिट ले लिया था 4-5 दिन का टर्की में. इट्स सो वर्थ इट. ये हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि हम पाकिस्तान जब भी अब जाएं तो हम यही करें. बट कोविड हैपेंड नाउ, अब पता नहीं कब ऐसे होगा, कब होगा. सीरियसली आई डू नॉट नो. हम लोगों का भी प्लान था पाकिस्तान का, लेकिन अभी तो मेरा में इट्स नॉट गोना हैपन इन नियर फ्यूचर. इस साल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. बस यही ट्रैवलिंग ही सब ज्यादा, ट्रैवलिंग करते हुए जाके फैमिली से मिलना इस फन की, आप थके हुए नहीं होंगे, आप इतनी बड़ी आपके साथ बात करते हुए मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी प्रोग्राम के लिए या किसी चीज के लिए शूटिंग करा रही हूँ कुछ. मुझे लगा मैं किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ. इट वाज सो नाइस ऑफ यू फॉर बीइंग सो पोलाइट एंड हेल्पिंग मी आउट विद दिस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर हनी, माय प्लेजर. So we, this was interview with Dr. Sundar. It was amazing. So hamara kuch isi tha, like one on one Friday is gonna be Dunia from the lens of our guest, and then next Friday is gonna be a travelogue, and then again it's gonna be our guest with his own experience, his or her own experiences, adventures,
जो अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहेंगे. तो आई होप यू यू लाइक आवर एफर्ट. सो इट वाज रियली अमेजिंग टॉकिंग टू यू एंड इट वाज अमेजिंग डूइंग दिस शो फॉर यू गाइस.